thank you. भैया जी, अब फालतू में दूर से ताड़ रहे हैं, देखिए उधर। यार कल्लू, बहुत नखरे दिखा रही है ये लड़की। एक महीने से इसके पीछे पड़ा हूं और ये 2 टके की बाइक वाले के साथ। भैया जी, आपके पास तो कार भी है। ठीक का कल्लू तुम, अब देख तेरा भैया जी इस लड़की के साथ इसी कार के अंदर। क्या बात है भैया जी। टाइटैनिक बना रही है, देखिए ना। ब्रजेश नाम है हमारा, और बाजार में 3 बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो बेचनी है मुझे, चल निकल यहाँ से। पसंद करते हैं हम तुमको, दोस्ती करना चाहते हैं। और सुन, दोबारा ना किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले मेरी ये लात याद रख लेना। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे जा जा। आराम से भैया जी, आराम से। आजाद ख्याल लड़कियों को अपना आसान टारगेट समझने वाले ब्रजेश जैसे घटिया लोगों की कमी नहीं है। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, मुद्दा ये है कि अपनी मर्जी से जीने का सबको बराबर हक है। ये लड़की झुकने या डरने वाली तो दिखती नहीं है, मिजाज को 7वें आसमान पर चढ़ाकर हमारे आसपास ब्रजेश जैसे बहुत लोग घूम रहे हैं, और इस लड़की का रिएक्शन ऐसे मनचलों को बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन ब्रजेश की ये धमकी इस लड़की का क्या बिगाड़ पाएगी, ये देखने वाली बात है। कैसी लगी? कली मंगाई है? अजय, चलिए ले, आप ये सुनो। यार मेरा वीरा, पता नहीं मुझे लोगों से बार बार उधार मांगने में शर्म क्यों नहीं आती। अबे जब फ्री की खाने की आदत पड़ जाए तो शर्म किस बात की है। बेटा तू देख लियो, जिस दिन तेरे भाई का तीर निशाने पे लगा ना, तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। चुकाएगा कैसे है? नहीं चुकाएगा तो सूद समेत वापस भी ले लूंगा। कैसा बेवकूफ पंडित था, कितने घटिया लोगों से मिलवा दिया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नाश्ते में क्या दिया, चाय और समोसे? न मिठाई, न ड्राई फ्रूट, न लस्सी। माँ, इन लड़की वालों का अभी से ये हाल है तो दहेज में मुझे क्या देंगे, स्कूटी? अरे स्कूटी चलाए तेरे दुश्मन, मैं तो तेरे लिए ऐसे मालदार घर की बहू लाऊंगी जो हम सब के लिए गाड़ियों और नौकरों की लाइन लगा देगी। अरे किसे मार दिया? आराम से। I'm sorry, वो मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में थी तो मैंने गाड़ी देखी नहीं। अरे आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? गलती तो मेरी थी। बेटा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। बिटिया, अब मैं सामान उठाता हूँ। जी ठीक है ना बिटिया, कोई चोट तो नहीं आई? हाँ, हमेशा जल्दबाजी करती रहती हो तुम। काका मैं ठीक हूँ, आप बस ये सामान ले जाकर गाड़ी में रख दीजिए। ये लीजिए। बड़े घर की लगती है। गाड़ी देखो गाड़ी। ओके बाय बाय। ओ आउ आउच। अरे लगता है आपको ज्यादा चोट आ गई है। शायद स्प्रेन आ गया है, बट इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। चलो तुम्हें मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, पर जब तक फोन करके मैं पता न कर लूँ ना, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। That's really sweet of you, आंटी। लाइए आपका फोन दीजिए, मैं नंबर फीड कर देती हूँ। ये लीजिए।
अपना ख्याल रखना। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। थैंक यू। आइए। किसने आगे हो गया? आराम से, आराम से समझा। बैठिए, बैठिए। आराम। बस ये लड़की फंस जाए। बिल्कुल। आराम से, आराम से। वो मैनेजर ना बड़ा स्मार्ट बन रहा था, मैंने उसकी स्मार्टनेस उसी पे झाड़ दी। वैसे कॉफी इतनी बुरी भी नहीं है। ओह सुन, रियली गेटिंग लेट, मैं जाऊं? मैं तुझसे कल मिलती हूँ। Excuse me? Excuse me? वाह मैडम, क्या अंदाज है आपका, हम तो फैन हो गए आपके। छोटी सी भेंट आपके लिए, पुरानी वाली गलती माफ हो जाएगी, हम यही सोचेंगे, प्लीज। वाओ, अब अगर 50 फीट तक भी मेरे आसपास दिखा है ना, तो 6 महीने तक जेल से बाहर नहीं आएगा। निकल ले यहाँ से, बड़ा आया। देखो फिर खराब हो गई, खटारा गाड़ी। देखा पिया, मुझे शर्म आती है तुम्हें इस खटारा गाड़ी में घुमाने में। यार कहाँ तुम और कहाँ ये घटिया गाड़ी। गाड़ी कौन सी है और कैसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने ये रखता है कि गाड़ी चला कौन रहा है। अब प्रिया, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है मैंने ना अपने मम्मी पापा से बात की तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में। You know what? मम्मी पापा तुमसे और तुम्हारी फैमिली से मिलने घर आने वाले। सच? मतलब तुम मेरे साथ शादी? देख हमने कितने अच्छे से तुम्हें तैयार किया। थैंक यू प्रिया। बेटा मोना, बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू मम्मी। मम्मी आज तेजी दीदी होती तो कितना अच्छा लगता ना। बेटा समझ ले कि तेरी तेजी दीदी हमारे लिए मर चुकी है, अब तो बस तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। सुनीता आंटी, अंकल ने आपको बुलाया है। मैं अभी आई बेटा।
This number is not reachable. You can leave a voice message. हेलो दीदी, आज मेरी शादी है, काश आप यहाँ होते। I miss you so much. बहुत याद आ रही है आपकी, प्लीज एक बार तो मुझसे बात कर लो। अबे शादी तय कर ली और बताया भी नहीं। अरे भाई इतनी जल्दी में हुआ ना सब कुछ, मुझे बताने का टाइम ही नहीं मिला। कम से कम भाभी जी का फोटो तो दिखा देता। दुल्हन आ गई। लो तेरी भाभी भी आ गई। दोबारा ना किसी लड़की को हाथ लगाने से पहले मेरी ये लात याद रख लेना। पता नहीं अभी। बधाई हो मेरे दोस्त। बधाई हो यार। थैंक्स। अब तुझे प्रिया से मिलवाता हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। पहचाना? अरे यार कैसी बातें कर रहा है तू भी। अरे एक से पहचाने की तुझे हैं? प्रिया ये मेरा जिगरी यार है। ब्रिजेश, इस शुभ अवसर पर छोटी सी भेंट आपके। थैंक यू। ब्रिजेश कंचना ये चल मिल लेते हैं। बहुत शातिर लड़की है। कल्लू। जी भैया जी। तुझे पता है प्रिया ने अपने ससुराल में अपने भोलेपन का ऐसा जाल बिछा रखा है कि मैं तो देखता रह गया। बस एक बार मुझे किसी तरह प्रिया मिल जाए। भैया जी अक्षत तो आ ही रहा है, उतार लीजिए बोतल में, मजा आ जाएगा। ये लीजिए। हेलो। कभी कभार कोई काम की बात कर लेता है, छोड़ूंगा नहीं इसे। धन्यवाद भैया जी। चौधरी साहब। ब्रिजेश। अरे चौधरी साहब आपका बड़ा उपकार है हमें। बस मैं तुरंत ही अपनी जमीन गिरवी रखकर 4 करोड़ का इंतजाम करता हूँ। अरे सर जी आपसे ज्यादा तो हमें जल्दी है। भले आज के जमाने में 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के बाद 30-35 लाख रुपए मुनाफा, वो भी एक महीने में। जी चौधरी साहब मैं करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। क्या बे है? अकेले अकेले 30-35 लाख रुपए एक महीने की इनकम, मतलब कमाल है। तूने मुझे बताया नहीं। बताने का क्या था यार, बस उन्होंने दारू का ठेका दिलवा रहे हैं और एक हफ्ते में 4 करोड़ का इंतजाम करना है। अच्छा सुनना, अगर मैं तुझे 2 करोड़ रुपए लाके दूं और तेरे साथ। 2 करोड़? तू कहां से लाएगा 2 करोड़? अरे वो सब छोड़, मैं बताता हूँ तुझे, पहले बता डील फाइनल। अच्छा चल तू 2 करोड़ ला तो डील समझ पक्की।
हाँ ये हुई ना बात, ये ले, ये हुई ना बात, चीयर्स। दो करोड़, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? बेटा तेरे भले के लिए तो अक्षय इतनी भागदौड़ कर रहा है। देख बेटा, तू बड़े घर से आई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, एसी, नौकर चाकर, तुझे ऐश आराम की तो जरूरत है ना बेटा। पापा मैं इस हाल में भी बहुत खुश हूँ और मैं ऐसे ही रह लूंगी। बहस मत करो समझी, मैं तुमसे बोला जा रहा है उतना करो बस। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए ना, दीदी के कारण पापा को ऑलरेडी दो बार हार्ट अटैक आ चुका है। मैं अपने माँ पापा को दुखी नहीं कर सकती। मुझे प्यार से समझ में नहीं आ रहा है ना, आज से तेरा खाना पीना बंद। हेलो, हाँ मम्मी, मैं तो एकदम फिट हूँ। पापा की तबीयत कैसी है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। ज़्यादा परेशान हूँ यार, हेल्प मी प्लीज हेल्प। तू टेंशन मत ले, एक बार फिर से प्रिया से बात करके देख। अरे यार वो नहीं मानेगी, वो मर जाएगी, लेकिन ना अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगेगी। तू अब पैसों का इंतजाम कैसे करेगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। वैसे तू चाहे तो पैसों का इंतजाम हो सकता है। हो सकता है मगर कैसे? मिस्टर अक्षत, मैं दूंगा तुम्हें 2 करोड़, बदले में तुझे मेरे साथ एक रात प्रिया को भेज रहा। क्या बकवास कर रहा है तू? हैं? तुझे क्या लगता है तू मुझे 2 करोड़ का लालच देगा, मैं तुझे अपनी बीवी के साथ सोने दूंगा? इतना नीच लगता हूँ तुझे मैं? हाँ? इतना भी बुरा नहीं हूं मैं? अगर हाँ 3 करोड़ देगा तो सोच सकता हूं। चल जा, दिए तुझे 3 करोड़ रुपए। जी आप? जी मैं। घर पर कोई नहीं है। हम तो आपसे मिलने आए हैं। मुझसे क्या काम है आपको? आप ऐसे ऐसे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा कि अक्षत घर पर नहीं है, आप क्यों? चुप। FIR साइन कीजिए।
दिया बहुत बड़ा। यार बुरा क्यों मानता है? तूने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मैंने मौके का। आओ तो सही आप लोग। अरे दो मिनट सबर नहीं है, मैं अच्छे से समझाता हूँ आप लोगों को। आओ इधर खड़े हो। देखो जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुमने उस ब्रिजेश की जूठन को हाथ भी लगाया ना तो। अरे यार आप समझ नहीं रहे हो। देखो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं आजकल उसको सिर्फ खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी वो करोड़ों की मालकिन है, आप लोगों को पता तो है। तुझे जो कुछ करना है ना जल्दी से कर। अगर इस दौरान ब्रिजेश जमानत से बाहर आ गया ना तो वो प्रिया को सब कुछ बता देगा कि उसने प्रिया को पाने के लिए तुझे कितने करोड़ दिए। आप लोग कितने गिरे हुए कमीने हो। मैं तो सोचती हूँ तुम्हें मुझे घिन आती है। तुम यहाँ कैसे? तुम लोगों की बदकिस्मती, मैं यहाँ ही थी और मैंने सब कुछ सुन लिया। मैं अभी जाके पुलिस को सब कुछ बता दी। अरे ये तो बेहोश हो गई। अब क्या करें, इसने तो सब कुछ सुन लिया। इसका परमानेंट इलाज करते हैं। अक्षत गाड़ी निकाल। मर तो गई थी ना? हाँ मैंने अच्छी तरह से उसका गला घोटा है। चलो। हमारे समाज में दहेज को लेकर जागरूकता की तमाम कोशिशें होती रही हैं। बड़े बड़े इश्तेहार, बड़ी बड़ी योजनाएं, सरकार और समाज सेवी संगठनों द्वारा बड़े बड़े अभियान चलाए जाते रहे हैं, लेकिन ये कुप्रथा खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इंसान का लालच खत्म नहीं होता है। बहू को अपनी तिजोरी की चाबी समझने वाले लोग नीचता और निशंसता की सारी हदें पार कर रहे हैं। कहीं बहुओं को जिंदा जलाया जा रहा है तो कहीं गला घोटा जा रहा है। यहां भी यही हुआ। हमारे समाज का एक साइलेंट क्राइम है ये दहेज, जिसमें सारे गुनाह घर की चार दीवारी के भीतर होते हैं और सारे गुनाहगार अपने परिवार वाले। ऐसे में इन दानवों को बेनकाब करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैसी बात कर रहे हैं? प्रिया तो हमेशा अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ किया करती थी। इंस्पेक्टर साहब, पता चला आपको? ढूंढ रहे हैं, पर सामने नदी थी और पानी का फोर्स काफी ज्यादा था। बॉडी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। उम्मीद है जल्द से जल्द हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए। बताइयो, एक्चुअली प्रिया का पता हमें कल रात को चला। हमारी टीम तुरंत डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल पहुंच गई। इन्हें इनके माँ बाप के घर भी ले गए। रात भर वहाँ रुकने के बाद जब इन्होंने ससुराल जाने की जिद की तो हम इन्हें यहाँ ले आए। दरअसल कुछ लोग इसे 8 दिन पहले मेरे हॉस्पिटल लेके आए थे, तभी ये बेहोश थी। वो होश पे आने के बाद इन्होंने कुछ बताया कि ये कहाँ और कैसे? देखिए बात यह है कि सर पर अंदरूनी चोट लगने के कारण कुछ बातें इन्हें याद नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी बातें याद भी हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे। बेटी बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। आना आप लोग भी आइए ना। जी नहीं धन्यवाद, अब हम चलेंगे। थैंक यू सो मच।
प्रिया एक बात पूछो। पूछो। सच सच बताना तुम्हें क्या क्या याद है वैसे? ये कि तुमने मुझसे 2 करोड़ रुपए मांगे, तुमने मुझे मारा पीटा और तुमने पैसे के लालच में ब्रिजेश से मेरी इज्जत का सौदा भी किया। ये सब तुम्हें याद था तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? इसलिए क्योंकि मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं और तुम्हारी खुशी के लिए मैं पापा से 20 करोड़ रुपए का चेक लेकर आई हूं। 20 करोड़? पापा ने अपना प्लॉट बेच दिया है लेकिन उनके अकाउंट में पैसा 1 हफ्ते बाद ट्रांसफर होगा, तो प्लीज तुम ये चेक 1 हफ्ते बाद बैंक में डालना। अरे ऐसी क्या बात होगी, मुझे कुछ जल्दी नहीं है। अक्षय। हाँ? तुम मुझे खुश तो रखोगे ना? अरे कैसी बात कर रही हो यार, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें खुश नहीं रखूंगा तो किसको रखूंगा? बेटा अब देख तुम, मैं इस 20 करोड़ के लिए क्या क्या करता हूं। अजी सुनते हो? ये भी ना। एक मिनट बेटा, मैं अभी आता हूं। क्या है? कितनी बार कहा है प्लंबर को बुला लो, मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो, बहरे हो गए हो क्या? परसों से तेरी बकवास सुनता रहा हूं, 2-3 घंटे चुप नहीं हो सकती थे क्या? ये क्या बात तमीजी है? हाँ वहां पे कैसे हाथ उठाए अपने? अक्षत पापा से ऐसे कोई बात करता है क्या? चलो अंदर चलो। माँ क्या बके जा रही हो? अपनी आंखों से देखा मैंने, वो महारानी बिस्तर पे पड़ी हुई थी और तेरा बाप उसके सर की मालिश कर रहा था, पता नहीं क्या क्या मालिश किया होगा। अरे कुछ भी बके जा रही हो, सटिया की हो क्या, पागल हो गई तुम? पागल कहीं की बुढ़िया मुझ पे हाथ उठाएगी? हाँ मधु पहुंच गई तू? बस मैं अभी घर से निकल ही रही हूँ, जल्दी पहुंचती हूँ मंदिर। हेलो। हाँ अक्षत कितनी देर में आ रहे हो? अच्छा आते वक्त पनीर लेते आना। ओके कोशिश करो, कोशिश करो उठने की। शाबाश अब ठीक लग रहा था। हाँ पापा। अरे तू आ गया? नहीं आना चाहिए था मुझे। क्या मतलब है तेरा? देख बहू फिसल गई थी और उसको बस मान। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे आपके बारे में, गिरे हो इंसान आप। दिमाग खराब हो गया। चलिए
निकलिए मेरे कमरे से। प्रिया, 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 अरे प्रिया कहाँ हो यार? हाँ हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? मेरी टेंडर की फाइल कहाँ? बाबूजी के कबर्ड में। हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। इस वक्त वो कमरे में है। अपने आप को बहुत बड़ी खिलाड़ी समझती है ना? आज ही उसका खेल खत्म कर देते हैं। इस वक्त कौन है? तू कहा था ना बहुत पछताएगा तू। छोड़ो मेरे बेटे, छोड़ दे बेटा, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ दे बेटा। सिर को देख, देख तेरे को 3 करोड़ चाहिए ना? मैं तेरे को 6 करोड़ देता हूँ। ये देख, देख मेरे पास 20 करोड़ का चेक है। 20 करोड़ का चेक? हाँ। छे क्यों? 10 करोड़ चाहिए मुझे इसके। दस करोड़ ठीक है, मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन सुन, तुझे हमारे साथ मिलके प्रिया को जान से मारना होगा। तब ठीक है, चलो। हाँ हाँ सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, इन्हें अभी तक ऐसा ही लग रहा कि मैं ही प्रिया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। ओके आप लोग सच सच बता, कौन है तू? कैसी बातें कर रहे हो तुम अक्षत? मैं प्रिया हूँ ना, तुम्हारी बीवी। हमने सब कुछ सुन लिया है, बता कौन है तू? आप लोग को यकीन क्यों नहीं होता कि मैं प्रिया हूँ? इसलिए क्योंकि इन्हीं हाथों से मैंने प्रिया का गला घोट के मारा था। बस यही सुनना चाहते हम तो तुम्हारे मुंह से। पकड़ो सबको। प्रिया के मर्डर की प्लानिंग और उसे अंजाम देने के इल्जाम में तुम सबको गिरफ्तार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते? अब प्रिया तो जिंदा है। ये प्रिया है? हाँ। ये प्रिया नहीं है, उसकी जुड़वा बहन तेजी है, हमारी दूसरी बेटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चल गया था प्रिया की मौत गला घोटने से हुई है। लेकिन प्रिया के बारे में ये सब कुछ तुम कैसे जानती हो? क्योंकि प्रिया मुझे वॉइस मैसेजेस भेजती थी। इससे ये तो प्रूव होता था कि उसकी मौत के जिम्मेदार आप लोग। और जैसे ही मुझे पता चला तेजी और प्रिया जुड़वा बहनें, मैंने तेजी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और तुम लोगों से प्रिया की मौत को छुपा दिया। और तू, तुझे क्या लगता था
तू मेरी बहन को मार देगा और तुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। कानून इसे इसके किए की सजा तुरंत देगा। चलिए चल। तेजी और उसकी बहन प्रिया दोनों का उदाहरण आपके सामने है। जहां तेजी एक साहसिक व्यक्तित्व की धनी थी, वहीं प्रिया खुद पर होने वाले अत्याचार चुपचाप सहती रही। जिस अपराध का विरोध होना था उसका विरोध नहीं किया गया। नतीजा आपके सामने है। इस मामले में भी एक लड़की लालचियों के चंगुल में फंसी और अपनी जान से हाथ धो बैठी। लेकिन इसी केस में इस कुप्रथा को खत्म करने का जरिया भी नजर आता है। जिंदगी को लेकर दोनों बहनों के नजरिए में फर्क हमने देखा। तेजी जैसी लड़कियां डट कर मुकाबला करने वाली हैं और प्रिया जैसी लड़कियां मुश्किलों को चुपचाप सहने वाली हैं। जिसने उठ खड़े होने का साहस दिखाया उसने हर किसी को सबक सिखा दिया। जिंदगी आपकी है, आपको ही तय करना होगा कि अगर लोभी लालचियों के बीच जिंदगी दांव पर लग जाए तो बेहतर रास्ता कौन सा है, प्रिया का या तेजी का। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।